हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। हमारा जो ब्रेन होता है उसमें कौन कौन से वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा जो वेंट्रिकल्स होते हैं इनको हम वेंट्रिकुलर सिस्टम भी बोलते हैं हमारे ब्रेन के। तो हमारा जो ब्रेन होता है ना, इसके टोटल चार वेंट्रिकल्स होते हैं। कौन कौन से चार वेंट्रिकल्स होते हैं? ये होता है हमारा राइट वेंट्रिकल। राइट कौन सा? लेटरल की साइड पे, क्योंकि लेटरली आपके निकले होते हैं। इस साइड पे भी आपका एक होगा, इस साइड पे भी एक होगा, तो लेटरली आपके निकले होते हैं ये, बॉडी के जो लेटरल साइड में होंगे। तो राइट लेटरल वेंट्रिकल और आपका लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, ये आपके दो आपके लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं। इसके अलावा आपका ये जो वेंट्रिकल होता है इसको हम बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल, और ये थर्ड वेंट्रिकल आपका नीचे फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है। ये आपका होता है लास्ट वाला वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये आपके ये चार वेंट्रिकल्स होते हैं जिनको हम आज के लेक्चर में अच्छे से समझेंगे एक एक करके। ओके, तो जान लेते हैं सबसे पहले वेंट्रिकल्स बेसिकली होता क्या है। वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स ना हमारे खाली स्पेसेस होते हैं, हॉलो स्पेसेस होते हैं विद इन द ब्रेन वेयर CSF सर्कुलेट, जहाँ पे हमारा CSF क्या करता है? फ्लो करता है, सर्कुलेट करता है। वेंट्रिकल्स प्रोड्यूस CSF या फिर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड ट्रांसपोर्ट इट अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो वेंट्रिकल्स क्या करेगा? इसको प्रोड्यूस करता है CSF को। आपका CSF भी आपका बेसिकली कैसे प्रोड्यूस होगा? हमारे एपेंडाइमल सेल्स के थ्रू, ठीक है। तो वो आपका प्रोड्यूस करते हैं इसको CSF को, और जो CSF है वो फिर ट्रांसपोर्ट होगा पूरे हमारे ब्रेन में और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। तो आप ये देख सकते हैं कोरोइड प्लेक्सिस क्या होता है। इसमें मैंने कोरोइड प्लेक्सिस आपका मार्क कर रखा है इधर, कोरोइड प्लेक्सिस। इसको देखिए क्या होता है ये। वेंट्रिकल्स आर लाइंड बाय एपेंडाइमल सेल्स विच फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड कोरोइड प्लेक्सिस। तो आपको ये दिख रहा होगा इस तरीके से, क्या है इधर कोरोइड प्लेक्सिस है, इधर भी थोड़ा सा कोरोइड प्लेक्सिस है, ठीक है। तो कोरोइड प्लेक्सिस क्या होते हैं? ये एपेंडाइमल सेल्स से ही बनते हैं, बहुत सारे एपेंडाइमल सेल्स मिलके। तो इनसे लाइंड होते हैं आपके वेंट्रिकल्स, मतलब कि पूरे जो जितने भी वेंट्रिकल्स होंगे ना सबके साथ आपके लाइनिंग हो रखी होगी एपेंडाइमल सेल्स की। और ये एपेंडाइमल सेल्स क्या करते हैं? आपका CSF का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो आपका बेसिकली क्या बोल सकते हैं हम कि विद इन द कोरोइड प्लेक्सिस CSF इज प्रोड्यूस्ड। तो एपेंडाइमल सेल्स क्या है? वो आपका न्यूरोग्लाइल सेल्स का पार्ट है। ओके, तो इनसे आपका क्या बनता है? आपका CSF, जो आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, वो प्रोड्यूस होता है। आप देखिए, ये मैंने आपको मेनिंजेस की लेयर पढ़ाई थी, ड्यूरामीटर, पायामीटर, अरेक्नॉइड मैटर, इनके बीच मैंने आपको बताया था सब अरेक्नॉइड स्पेस भी होता है। तो जब भी हमारा CSF जब पूरा फ्लो हो जाता है उसका, तो CSF सर्कुलेट करने के बाद आपका जो वेंट्रिकल में सर्कुलेट करने के बाद कहाँ जाएगा? आपका सब अरेक्नॉइड स्पेस में, ठीक है। जब लास्ट में फोर्थ वेंट्रिकल से आपका कहाँ पे जाएगा? सब अरेक्नॉइड स्पेस में। और उधर से क्या होगा? वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा हमारे ब्लड के अंदर। ओके, तभी हम देखेंगे जब फोर्थ वेंट्रिकल देखेंगे, तो इसको एक बार और बता दूंगा मैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल मतलब जो आपके साइड्स में होते हैं, ठीक है, आपके बॉडी के लेटरली होंगे, ठीक। तो एक इस साइड पे होगा, एक इस साइड पे होगा। तो आपका ये जो आप ये देख सकते हैं, आपका ये सेरिब्रम है। तो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इनमें क्या है? आपके वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनको हम अच्छे से एक एक करके पढ़ लेते हैं। ये देखिए लेटरल वेंट्रिकल्स क्या होते हैं। फाउंड विद इन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर जस्ट बिलो द कॉर्पस कैलोसम। तो आपका जो कॉर्पस कैलोसम होता है ना, इसके ऊपर होगा, और इससे जस्ट आपको इसके अंदर क्या मिलेगा? आपको लेटरल वेंट्रिकल देखने को मिलेगा। दे हैव हॉर्न्स दैट प्रोजेक्ट इनटू द फ्रंटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल लोब्स। तो इसमें क्या होते हैं? कुछ हॉर्न्स होते हैं जो कि आपके कहाँ पे जाते हैं? आपके फ्रंटल लोब में, ऑसिपिटल लोब में और आपके टेम्पोरल लोब में। तो इसमें ना आपके बेसिकली तीन हॉर्न्स होते हैं। कौन कौन से तीन हॉर्न्स होते हैं? एक ये हो गया जो आगे वाला हॉर्न होगा, ये इसको बोलेंगे हम एंटीरियर हॉर्न। पीछे वाले को क्या बोलेंगे हम? पोस्टीरियर हॉर्न। और ये जो नीचे है ना, इसको हम बोलेंगे आपका इन्फीरियर हॉर्न। इन्फीरियर मतलब नीचे के लिए, ठीक है। तो ये आपके तीन हॉर्न्स इसमें प्रेजेंट होते हैं आपके लेटरल वेंट्रिकल में। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ थिन मेम्ब्रेन द सेप्टम लूसिडम एंड आर लाइंड विद सिलिएटेड एपिथेलियम। तो ये दोनों जो आपके हॉर्न्स होते हैं एक दूसरे से कैसे सेपरेट हो रखे होते हैं? किससे? एक मेम्ब्रेन से सेपरेट हो रखे होते हैं, बहुत पतली सी मेम्ब्रेन होती है, उसका नाम क्या होता है? सेप्टम लूसिडम। दे आर लाइंड विद सिलिएटेड एपिथेलियम, जो कि लाइन हो रखी होती है आपकी सिलिएटेड एपिथेलियम से, उसमें सिलिएटेड एपिथेलियम नाम के टिश्यूज पाए जाएंगे। दे कम्युनिकेट विद द थर्ड वेंट्रिकल बाय इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। तो आप ये देख सकते हैं, आपका ये वाला जो है, ये हमारा फर्स्ट वेंट्रिकल लेटरल वेंट्रिकल था, ठीक है। ये लेटरल वेंट्रिकल है, इसके साथ में क्या हो रहा है ना, आपका ये कनेक्टेड के लिए आपके एक ये एरिया है थोड़ा सा, इसको क्या बोलते हैं हम? फोरामेन बोलते हैं, जो कि कनेक्ट करवा रहा है हमारे लेटरल वेंट्रिकल को और हमारे क्या कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल को। तो इन दोनों को कनेक्ट करवा रहा है ये। ओके, द वॉल्यूम ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल
इंक्रीज्ड विद द एज। तो आपका जो लेटरल वेंट्रिकल है, ऐसा माना जाता है कि आपका लेटरल वेंट्रिकल एज के साथ इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो साइज है, वो बढ़ने लग जाता है, बढ़ते रहता है। फिर नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारा थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल आप ये देख सकते हैं, ये वाला जो होता है हमारा क्या होता है, ये थर्ड वेंट्रिकल होता है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। द थर्ड वेंट्रिकल इज अ कैविटी सिचुएटेड बिलो द लेटरल वेंट्रिकल बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ द थैलेमस। तो जो आपका जो थर्ड वेंट्रिकल होता है वो आपका कहाँ पे पाया जाता है, हमारा लेटरल वेंट्रिकल जो है उसके जस्ट नीचे पाया जाएगा। लेटरल वेंट्रिकल ऊपर है, इसके जस्ट नीचे आपको क्या मिल रहा है, ये थर्ड वेंट्रिकल देखने को मिल रहा है। और इनके साइड्स में क्या होगा ना, दोनों के दोनों साइड में क्या होगा, आपका थैलेसम, आपका थैलेमस होगा। ठीक है, इन दोनों के साइड में क्या होगा, हमारे दोनों ही साइड में आपके थैलेमस इसमें प्रेजेंट होते हैं, और थैलेमस के बिल्कुल बीच में आपका ये थर्ड वेंट्रिकल पाया जाता है। ओके, इट कम्युनिकेट विद द फोर्थ वेंट्रिकल बाय अ कैनाल सेरिब्रल एक्यूडक्ट। तो ये आपका एक सेरिब्रल एक्यूडक्ट है, ये जो है ना, ये क्या होती है, हमारी सेरिब्रल एक्यूडक्ट होती है। ठीक, और इस सेरिब्रल एक्यूडक्ट से आपका जो थर्ड वेंट्रिकल है आपके फोर्थ वेंट्रिकल के साथ ये कनेक्ट करता है, या फिर आपका CSF थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में कब जाएगा, इस आपके सेरिब्रल एक्यूडक्ट के थ्रू जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूडक्ट ऑफ द मिडब्रेन भी कहते हैं। ओके, आप ये देख सकते हैं इसके अंदर आपको एक खाली सा जगह मिल रही है, इसको क्या बोलते हैं हम, इंटरथैलमिक एडहेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरथैलमिक एडहेशन क्या करता है, दोनों आपके जो थैलमस होते हैं उनको कनेक्ट करवाता है। ठीक, दोनों साइड पे आपके थैलमस थे ना, तो उन दोनों को कनेक्ट करवाएगा, इंटरथैलमिक एडहेशन, इसके बीच में ऐसे करके इधर से निकलता है। फिर लास्ट, इसके बाद लास्ट आता है हमारा फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल देख लेते हैं हम। ठीक, फोर्थ वेंट्रिकल इसमें कहाँ पे है, ये रहा हमारा फोर्थ वेंट्रिकल, इसको देखेंगे हम। डायमंड शेप कैविटी सिचुएटेड बिलो एंड बिहाइंड द थर्ड वेंट्रिकल। तो डायमंड शेप का होता है ये, ठीक है, थोड़ा डायमंड टाइप शेप का होगा इसका। कहाँ पे प्रेजेंट होगा, हमारे बिलो मतलब नीचे, ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल इधर था, उसके जस्ट नीचे होगा, एंड बिहाइंड और पीछे की तरफ होगा थोड़ा सा हमारे थर्ड वेंट्रिकल के, बिटवीन द सेरिबेलम एंड पॉन्स। सेरिबेलम आपका ये वाला है, पॉन्स आपका ये वाला है, इन दोनों के बीच में क्या है आपका, ये आपका फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट हो रखा है। ठीक है, पाया जाता है। रिसीव CSF फ्रॉम द थर्ड वेंट्रिकल बाय अ सेरिब्रल एक्यूडक्ट। तो मैंने अभी बताया था आपको कि आपके जो सेरिब्रल एक्यूडक्ट है, ये क्या करती है, आपका CSF जो होएगा इससे थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में, इसके थ्रू ही आएगा, सेरिब्रल एक्यूडक्ट के थ्रू। ओके, फ्रॉम फोर्थ वेंट्रिकल द फ्लूड ड्रेन्स इनटू टू प्लेसेस। तो आपका ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है, इसमें से क्या होगा कि आपका जो फ्लूड है ना, वो दो जगह जाएगा। पहली जगह कौन सी है, सेंट्रल स्पाइनल कैनाल बार्ट द स्पाइनल कॉर्ड। तो आपकी जो सेंट्रल कैनाल जा रही है, ये फोर्थ वेंट्रिकल है, इधर से आपका एक तो इधर चली जाएगी, जिससे कि आपका कैनाल जो है वो आपके जाएगी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाएगी ये कैनाल। और दूसरा क्या होगा, सब एरेक्नॉइड सिस्टर्न बार्ट्स द ब्रेन बिटवीन द एरेक्नॉइड मैटर एंड पायामीटर। तो एक क्या होगा, इधर से आपका कहाँ कहाँ चली जाएगी, आपके आपके मेनिंजेस में चली जाएगी, उसके बाद आपका सब एरेक्नॉइड स्पेस में जाके क्या होगा, जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था, उधर से जाके क्या होगा, ये रीअब्सॉर्ब हो जाएगा आपका CSF। ठीक, तो ये काम होता है हमारे फोर्थ वेंट्रिकल का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अपने क्लासमेट्स से वीडियो को जरूर शेयर कर देना, और कमेंट करके बताना आपको लेक्चर कितना पसंद आया, कितना समझ में आया उससे। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।